हेलो। तो आज हमारा टॉपिक है रूट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द रूट फंक्शन। रूट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है वो हम आज देखेंगे। सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द रूट फंक्शन एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, सो फर्स्ट वी सी व्हाट इज द डेरिवेटिव, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव टू फाइंड आउट द रूट फंक्शन। सो सपोज this is our root function square root of f of x and its derivative. Its derivative formula is derivative of square root function is equal to 1 by 2 square root of function and again derivative of inner function of the root. So inner function of the root is f of x. So it is the formula to find out the derivative of the root function. So let's find out. Start from first question. So first question is that y is equal to square root of x square plus 5. So y equal to square root of x square plus 5. It is a function. So differentiate with respect to x on both side. तो y का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? y डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx. And now I told you formula for the derivative of the root function. So d dx of square root of f of x. इसका formula क्या है? Formula is 1 upon 2 square root of f of x into again derivative of f of x. ठीक है, तो यूजिंग द सेम फॉर्मूला, ये पूरा रूट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होना है कि 1 by यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन। एंड व्हाट इज द फंक्शन वैल्यू? फंक्शन वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू अगेन डी डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन ऑफ द रूट। सो इनर फंक्शन ऑफ द रूट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5. So therefore, dy by dx is equal to 1/2 square root of x square plus 5 as it is, and then find out the derivative of this value present inside the bracket. So x square ka derivative kitna hona hai? X square derivative hoga 2x and phi derivative kitna hoga? 0. Okay. To kaise hoga ki ये जो x square value है, that x square value is in the form of x to the power n, and x to the power n का formula क्या है? N into x to the power n minus 1. So applying the same formula किसके लिए? X square के लिए. तो x square का derivative कितना होना है? What is the value of n? N value is 2. तो 2 into x to the power 2 minus 1, यानी कितना बनेगा ये? 2 minus is 1. तो x square derivative कितना आता है? 2x. So x square derivative is 2x. And again I am going to use one more formula, that ddx of or derivative of the constant value. The constant value का derivative हमेशा कितना होता है? 0. So 5 is a constant value. तो 5 का derivative कितना बन गया? 0. Okay. So what is our final answer? Our final answer will dy by dx is equal to 2x dividing by 2 square root of x square plus 5. Okay. In the next step, this 2 will get cancelled. And final value of derivative, that is dy by dx, this value is equal to x dividing by square root of x square plus 5. ठीक है? तो I hope you understand this solution. This is the derivative of the root function. तो ऐसे और 3 question है यहाँ पे, तो हम अभी दूसरा question लेते हैं. तो हमारा अगला question है y is equal to square root of sine x cube. तो अगेन डिफरेंशिएट,
फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड. तो डिफरेंशिएट करो, वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू रूट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना, डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो रूट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इसका डेरिवेटिव कितना होगा, वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज साइन एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. सो फंक्शन वैल्यू कितना है, साइन एक्स क्यूब. सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब. ओके एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब, तो साइन फंक्शन मेन फंक्शन है इसमें साइन. ओके तो साइन एक्स, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है. ठीक है, तो यहां पे भी यही फॉर्मूला यूज करके जो है साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना बनेगा, साइन का डेरिवेटिव बनना है क्या, कॉस एक्स. अभी ये एक्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज द एक्स क्यूब, तो यहाँ पे लिखना होगा अपने को एक्स क्यूब एंड अगेन देयर इज अ सब फंक्शन. सब फंक्शन कौन सा है, एक्स क्यूब है, तो इसका फिर से एक बार अपने को डेरिवेटिव लेना होगा. ठीक है, सो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा कि वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब देन कॉस एक्स क्यूब एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब. यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, तो एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन. तो ये फॉर्मूले से जो है इसका डेरिवेटिव कितना बनना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. तो एन का वैल्यू कितना है, एन वैल्यू इज थ्री, एक्स टू दी पावर थ्री माइनस वन, तो फाइनल डेरिवेटिव इज थ्री एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो फिर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होना है, इट इज द 3x square. Okay. So we can write this all value. This is the constant value. This is also constant value. So I am writing this value at the front. So 3 by 2. Then there is x square. So 3x square. Next value is cos x cube. And dividing by denominator mein kaun sa function hai? Sin x cube. So ye value ban gaya dy by dx. यहाँ पे देखो मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो अपना जो ओरिजिनल फंक्शन था वो क्या था कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब. सो मेन फंक्शन इज हियर रूट फंक्शन एंड रूट फंक्शन डेरिवेटिव वो क्या होता है कि रूट फंक्शन डेरिवेटिव इज वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन एंड इन टू अगेन डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन ऑफ द रूट. रूट के अंदर जो भी फंक्शन रहेगा उसका फिर से एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ता है. तो यहां पे भी जो मेन फंक्शन है रूट फंक्शन उसका डेरिवेटिव कितना आया, द डेरिवेटिव इज द वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन. फंक्शन क्या है यहाँ पे, साइन एक्स क्यूब एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. तो फंक्शन क्या है, साइन एक्स क्यूब. ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब साइन एक्स क्यूब एज इट इज इन टू साइन का जो डेरिवेटिव होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस. यूजिंग द सेम फॉर्मूला साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आया, कॉस एक्स क्यूब. और यहाँ पे जो है और एक सब फंक्शन है एंड व्हाट इज दैट सब फंक्शन, सब फंक्शन इज द एक्स क्यूब. तो इसका जो है फिर से एक बार अपन ने यहाँ पर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, तो अगेन यहाँ पे डी डी एक्स डी डी एक्स ऑफ द एक्स क्यूब. तो एक्स क्यूब के लिए जो है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा एक्स टू द पावर एन. तो ये फॉर्मूले से जो है इसका पूरा डेरिवेटिव कितना आता है, 3x स्क्वायर. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव बन गया 3x स्क्वायर. तो ऐसे करके जो है ये पूरा आंसर मैंने यहाँ पे अरेंज करके लिखा है. सो टोटल डेरिवेटिव इज dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब डिवाइडिंग बाय 2 साइन एक्स क्यूब. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन, ठीक है। तो अगेन इट इज द रूट फंक्शन, तो फर्स्ट राइट फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। रूट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है, वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड इन टू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से डिफ्रेंशिएट करो। तो y डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होना है, dy by dx एंड इट इज द रूट फंक्शन, तो रूट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होना है, 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, फंक्शन वैल्यू कितना है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 एंड इन टू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो फंक्शन यहां पे व्हाट इज द फंक्शन वैल्यू, फंक्शन इज x square plus 4x minus 7. It is the function value. Okay? So what is the next step? That dy by dx is equal to 1 upon 2 square root of x square plus 4x minus 7. Yeah, as it is rahega. Aur ye jo bracket hai, iska jo hai 1 by 1 karke apne ko derivative find out karna hoga. Okay? To jo first value hai, x square ka derivative kitna hota hai? 2x kahan se hota hai? कौन सा फॉर्मूला लगना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन यानी कितना, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो एन का वैल्यू कितना पुट कर देना है, टू, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, टू इंटू एक्स टू द पावर टू माइनस वन, यानी एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आता है वो कितना आता है, टू एक्स आता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होगा यहाँ पे, टू एक्स होगा, देन फोर इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होना है, x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो x का डेरिवेटिव 1 एंड 7 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू का जो है डेरिवेटिव इट इज ऑलवेज 0, तो 7 का डेरिवेटिव कितना होना है, 0 होना है, ठीक है। सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 2x plus 4 एज इट इज, राइट द डिनोमिनेटर वैल्यू, तो डिनोमिनेटर वैल्यू कितना है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो इसको थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई होता है, तो सिंप्लीफिकेशन क्या होना है कि न्यूमरेटर से वी कैन टेक द 2 कॉमन, तो यहां से जो है 2 कॉमन ले लो, यू कैन नॉट कैंसिल दिस 2 एंड 2 डायरेक्टली, ठीक है। आपको सबसे पहले जो है 2 कॉमन लेना होगा और उसके बाद ही जो है 2 ये डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट टेक द 2 कॉमन, सो आफ्टर टेकिंग द 2 कॉमन, टू कॉमन लेने के बाद क्या होगा, यहां से अगर टू कॉमन लिया तो यहां पे रहेगा एक्स, और फोर से अगर टू कॉमन लिया तो ये कितना रह जाएगा, टू डिवाइडिंग बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन, ओके। सो देयरफॉर डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू दिस टू, टू गेट कैंसिल, सो व्हाट इज द रिमेनिंग, रिमेनिंग इज एक्स प्लस टू डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन। So this is the derivative of this given root function. So I hope you understand this question. So there is one more question is left here. So next question is that y is equal to square root of e to the power 3x plus 2 n plus 5. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको ट्राई करना है, ट्राई करके देखो आप, ये सेम फॉर्मूला अप्लाई होना है। यहाँ पे जो फंक्शन है e टू द पावर x, तो यहाँ पे देखो आई एम गिविंग यू फॉर्मूला दैट e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव खुद ही होता है ये e टू द पावर x, और ये जो फिर से है इसका फिर से एक बार आपको डेरिवेटिव लेना होगा। तो e टू द पावर एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कितना होना है, e टू द पावर एफ ऑफ एक्स एंड अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ द एफ ऑफ एक्स, तो ये केस में एफ ऑफ एक्स कितना है, 3x प्लस 2 एंड प्लस 5, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखो।